इसलिए हमने एक मेडिसिन रखी है जिसका बड़ा रोल है इंसान के इंसानी एजा पे, इंसानी निजाम पे। इसका दिमाग पे रोल है, ये पॉलीक्रेस रेमेडी, इसका दिमाग पे रोल है, इसके इसका डाइजेस्टिव सिस्टम पे रोल है, इसका लिवर पे रोल है, इसका हार्ट पे रोल है, इसके यूरिनरी ट्रैक्ट सिस्टम पे, इसका जेनिटल सिस्टम पे रोल है, इसका स्किन पे रोल है, इसका बेशुमार रोल है। ये एक मैं कहता हूँ हमारी जो मटीरियल मैटर के जो चंद अद्वियात हैं अगर वो आपसे छीन ली जाए, आपसे ले ली जाए, तो आपका बहुत सारा डिजीज का हिस्सा कवर नहीं होगा। और ये कहा जाता है कि ये तीन चार दवाइयां मसलन लाइकोपोडियम है, सल्फर है, कल्केरिया है, ये आधे से ज्यादा मटीरियल मेडिका समझे यही है कि आपकी दस्तस में यही है, नक्स अमीका है, ये जो आपकी पॉलीक्रेस 40-30-40 दवाइयां हैं, ये इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आज हम इसको वीट एलर्जी में भी इसका बड़ा रोल, वीट एलर्जी की और भी है, मैं कॉजेज भी डिस्कस करूंगा, मैं और भी मेडिसिन डिस्कस करूंगा, लेकिन लाइकोपोडियम में का वीट एलर्जी में बड़ा रोल, क्योंकि ये फिसिक भी ये दवाई है, कमजोरी जो इंसान के जिस्म में पाई जाती है, जिस टिश्यू में पाई जाती है, जिस ऑर्गन में पाई जाती है, जिस जगह पाई जाती है, ये उस कमजोरी को दूर करने की सलाहियत रखती है। देखें कि किडनी से स्टोन निकालेगी, क्या करती है, टिश्यू को स्ट्रेंथ देके स्टोन को, स्टोन की हैबिट खत्म कर देती है। ये लिवर को स्ट्रेंथ देगी, ये जेनेटल सिस्टम ऑर्गन इम्पोटेंसी को, मतलब हर जगह ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रही है। और ये बहुत सारी दवाइयों के साथ इसकी बड़ी मुताबकत है, बड़ा रिलेशन है इसके साथ, कहीं किसके साथ मिलकर क्या काम करती है, कहीं किसके साथ मिलकर क्या काम करी, उसको थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस भी करेंगे। कभी बेलाडोना के साथ बड़ा मिलती है, कभी आयोडीन के साथ बड़ा मिलती है, कभी ओरोमेड के साथ बड़ा मिलती है, कभी एसिड बेस के साथ बड़ा मिलती है, कभी चिलिडोनियम के साथ बड़ा मिलती है, कभी, तो ये बहुत सारी चीजों के साथ इसके बड़े रिलेशन है। ये सिस्टर मेडिसिन बनाती है, ये फ्रेंड मेडिसिन बनाती है, ये बड़े इसके बड़े इसके, मैं कहता हूं जब आप इसको समझते हैं, तो जब इसके साथ आप खेलते हैं तो आप एंजॉय करते हैं। एक तो मरीज आप ठीक करते हैं, दूसरा आप अपनी एबिलिटी को और इस मेडिसिन को बहुत आप एंजॉय भी करते हैं कि यार ये क्या क्या कर्तव्य दिखाती है इंसानी जिस्म के अंदर। लेकिन इसको आप अगर समझते, अगर आप इसको नहीं समझते, तो फिर आप यार लाइकोपोडियम मतलब कॉमन सा नाम है, कॉमन सी दवाई है, नो लाइकोपोडियम इज अ बिग मेडिसिन, बिग रेमेडी, मतलब प्लांट ग्रुप में इसका बहुत बड़ा रोल है और ये बहुत बड़ी दवाई है। आते हैं इसको देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये इसकी क्या हिस्ट्री क्या है और ये क्या क्या इसकी लाइकोपोडियम, ये प्लांट ग्रुप से इसका करते हैं। ये देखें, ये बुरशी नवा जो प्लांट है, और इसका ये आगे इसका ये पोस्ट इसको कहते हैं, उससे ये सकूप बनता है, ये सकूप के साथ इसका कॉमन नेम जो है वोल्फ क्लॉ, क्लब मॉस, रनिंग पाइन, स्टैग हॉर्न मॉस। अब ये कुछ तशबीह, स्टैग हॉर्न क्या कहते हैं उसको, बरसिंगा। स्टैग हॉर्न, फिर इसको वोल्फ क्लॉ के नाम से भी देखेंगे, भेड़िए का पंजा। फिर ये इसको फायर के साथ भी इसके साथ इसको रिलेट किया जाता है कि ये आग शोला पैदा करती है। पार्ट्स यूज होते हैं इसके, टिनी स्पोर्स एंड द येलो स्पोडर ऑफ द फ्रेश प्लांट, इसके जो ये आपके नजर आते हैं इसके पत्ते से, इसमें से जो स्पोर्स है, सकूप है, इसको बता करके इससे ये बनाया जाता है। नेक्स्ट, अब जो तशबीहात हैं इसको भी जरा गौर से देखें कि जो इसके नाम के साथ तशबीहात है, मतलब भेड़िए के पंजे के साथ तशबीह, तो भेड़िए का पंजा इसका मतलब है कि खतरनाक, भेड़िए के नाम से ये बड़ा अलर्ट हो जाता है ना, इसका मतलब खतरनाक दवाई।
फायर आग ये भी खतरनाक। तो सोच लें कि ये खतरनाक दवाई पहली बात जो इसको तशबीह दी गई है, इसकी रिजेंबलेंस है, इसके पौधे की रिजेंबलेंस किसके साथ है, भेड़िए के पंजे के साथ। तो ये इग्नोरेबल नहीं है। जब हम इसका स्टॉल नहीं, इसकी फिलोसफी को जाने कि इसकी तशबीह कितनी खतरनाक है। भेड़िया भेड़िया पता है शेर को भी पड़ जाता है, दो चार गठे हो जाए ना तो शेर को घेर लेते हैं, शेर भी